सांभर अभिभाषक संघ ने की राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से मुलाकात। सांभर में एडीएम कार्यालय खोलने की रखी मांग। डब्लू गोस्वामी संवाददाता खबर जयपुर से। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को सांभर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत एवं सचिव सुरेश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन प्रेषित किया गया। विधानसभा फुलेरा के जनप्रतिनिधि विद्याधर सिंह चौधरी के नेतृत्व में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को एडीएम कार्यालय खुलवाने की मांग रखी गई। वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा ने सांभर को जिला बनाने के लिए अभिभाषक संघ के साथ ज्ञापन सौंपा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी से जनगणना का काम शुरू हो गया है। जनगणना का कार्य पूर्ण होने के बाद उक्त मांगों के बारे में मुख्यमंत्री से वार्तालाप करेंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। यह आश्वासन देते हुए राजस्व मंत्री ने अपना पल्ला झाड़ लिया। सभी अधिवक्ताओं, बार अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि को बिना आश्वासन दिए ही अपने निवास से वापस सांभर के लिए रवाना कर दिया। इस मौके पर सांभर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह गंगारोत, युवराज माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश चंद्र नागू, अशोक मिश्रा, अवधेश पारिक, समीर उल हक, अशोक मिश्रा, सांभर नगरपालिका अध्यक्ष बाल किशन जांगीड़, महेश गौड़, निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सीपी व्यास, दिव्यराज वीर, जनप्रतिनिधि, समस्त अधिवक्ता, वार्ड पार्षद, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मौजूद रहे। हरीश चौधरी से हम मिले हैं, मिलने के बाद में उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा अभी जनगणना चल रही है, इसलिए संभव नहीं है, कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बार अध्यक्ष ने यह निवेदन किया कि जो कैंप चल रहा था 1982 से उसको रेगुलर कर दें, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कहा मैं विचार करूंगा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे वकीलों में बिल्कुल निराशा है। इस तरह के एक अपने जो निर्दलीय MLA जिसने ले जा करके सारी तहसीलों को और अपने नगर पालिका हेडक्वार्टर को पंचायत में ले गए, इसलिए पब्लिक में भी निराशा है और वकीलों में निराशा है और प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा हुआ है। किसी तरह के प्रशासन रीजनेबल कार्य नहीं कर रहा है, ये निवेदन है हमारा और इसके लिए सरकार को भुगतना पड़ेगा। हरीश चौधरी जी से सांभर की 70 साल पुरानी मांग दोहराई है, सांभर को जिला बनाया जाए, और उन्हें ये सजेस्ट किया है कि जयपुर ज़िले की आबादी 2020 की समाप्ति पर 80 लाख को क्रॉस कर चुकी है। इस ज़िले में जो कलेक्टर होता है उस पर बहुत प्रशासनिक दबाव रहता है और सरकार की जो गवर्नेंस है उसका निष्पादन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, इसलिए जयपुर ज़िले को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाए, 1 जयपुर शहर, 2 कोटपुतली और तीसरा सांभर। सांभर का जो प्रस्तावित ज़िला है उसके ज्यूरिडिक्शन के लिए हमने सुझाव दिया है कि जयपुर ज़िले में दूदू अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय का जो क्षेत्र है वो, और नागौर ज़िले में कुचामन सिटी अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय का जो क्षेत्र है उन दोनों को शामिल करते हुए बीच में सांभर शहर पड़ता है, इस सांभर को ज़िला बनाया जाए। सांभर को ज़िला बनाने की मांग 7 दशक से चलती आ रही है, अब तक किसी भी सरकार में सुनवाई नहीं हुई। आदरणीय हरीश जी चौधरी ने हमें भरोसा दिलाया है कि जनगणना का काम एक बार पूरा हो जाए उसके बाद नई राजस्व इकाइयों का सृजन किया जाएगा और उस समय इस मामले पर पूरी सहानुभूति और विश्वास के साथ काम किया जाएगा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर।